आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इसी के साथ अमित जी बात करें अब यहाँ से बिनौला खलकी कॉटन सीड ऑयल केक की, तो हम देख रहे हैं कि 3100 के लेवल्स पर ही स्टक हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या अब बिनौला खल में यहाँ से तेजी की उम्मीद अभी व्यापारी कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि पहले तो हमने 3400 तक के लेवल देख लिए थे, लेकिन उसके बाद से हमने फिर तेजी नहीं बनती देखी, फिर हमने एक सीमित दायरा ही देखा है। काफी लंबे समय से बिनौला खल में सीमित दायरा है, तो क्या बिनौला खल में तेजी की उम्मीद कुछ बाकी है? देखिए, पोजिशनल बेसिस पे मेरा मानना है अभी भी बाकी है, क्योंकि 2900 के जो सपोर्ट है उसके नीचे भी नहीं जा पा रही है, यानी वहां पर हमें जो मांग है वो भरते हुए दिख रही है। अगर मैं वेरी शॉर्ट टर्म की बात करूं तो ऐसा लगता है कि दोबारा हमें 1970 से 1980 के दाम दिखेंगे, लेकिन वहां से मैं कर सकता हूँ कि बाइंग फिर से एमर्ज होगी। इमीडिएट तौर पे 3200 का एक लेवल है जिसके ऊपर अगर प्राइजेस निकलती हैं तो दोबारा तेजी आने की संभावना बनी हुई है, और अब भी मैं यही कहूंगा कि 3500 से 3550 का जो मेरा व्यू है वो इंटैक्ट है जब तक 2900 के नीचे प्राइजेस नहीं जाती। जी, तो अमित जी, ये जो आपका जो लेवल है ये कब तक अचीव होता नजर आ सकता है, कुछ टाइम फ्रेम है? देखिए, फिलहाल तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि मार्च तक ये लेवल आ जाने चाहिए, लेकिन इस महीने ऐसा नहीं लगता कि ये लेवल आएंगे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हफ्ते की और समय में दे सकता हूँ। अगर अप्रैल मिड तक ये लेवल आते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि काफी समय ऑलरेडी बीत चुका है, लगभग 1 महीना हो गया कि हम लगभग 3300 से 2900 के बीच ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगले 3 हफ्तों के अंदर अंदर दोबारा तेजी के आसपास। जी, आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।